हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे और बहुत हेल्दी भी होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय ब्यूटी बीट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत इफ़ेक्टिव स्क्रब लेकर आई हूं, जो आपकी सारी स्किन, जो डेड स्किन्स होती है ना, उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा। आइए देखते हैं इस स्क्रब को रेडी करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे पास आज दो चीज़ें हैं। पहली है हमारी राइस फ्लावर, जो कि है हमारी चावल का आटा, जिसे हम कहेंगे। सेकेंड हमारा आ जाएगा मिल्क, जिसे हम दूध बोलते हैं। ड्राई स्किन के लिए आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है या ऑयली स्किन है, तो आप इसकी जगह पे वाटर यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि हमारे इन टू इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। सबसे पहले हमारा चावल का आटा, सेकेंड है हमारा दूध। चावल के आटे में एक बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो हमारी ब्यूटी को इन्हांस करता है। और इसमें एक नेचुरल एक्सफोलिएटर पाया जाता है, जो हमारी सारी डेड स्किन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। साथ में जो हमारे फेस पे या स्किन में जो भी हमारा एक्सेस ऑयल होता है, उसको रिमूव करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, सन टैन को रिमूव करने में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है हमारा राइस फ्लावर। सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है राइस फ्लावर की, ये हमारे स्किन को ब्लीच करता है। ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं हमारे राइस फ्लावर में, जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्शन होता है, हमारे स्किन की जो रंगत होती है, वो बहुत हद तक के फेयर दिखने लगती है, बहुत ही इम्प्रूव करता है उसको। तो इसमें हम राइस फ्लावर में आप मिल्क ऐड कर सकते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है। अगर आपकी स्किन ऑयली है या नॉर्मल है, तो आप इसकी जगह पे वाटर यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं अपनी मिल्क की भी प्रॉपर्टीज़, की मिल्क में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मिल्क हमारी स्किन में मॉइस्चराइज़ करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है। और इसमें इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, जिससे हमारी स्किन को एक नरिशमेंट मिलता है, और हम जिससे हमारी स्किन बहुत ही फ्रेश दिखती है। तो मिल्क में हमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो हमें एक्ने, पिगमेंटेशन और सनबर्न होने से बचाता है। तो ये थी हमारी इन दो इंग्रेडिएंट्स की खास प्रॉपर्टीज़। तो चलिए आज हम लोग अपनी सिंपल सी DIY को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमको ले लेना है राइस फ्लावर। राइस फ्लावर यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ले लिया है। आप अपने DIY के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने लिया था यहाँ पे मिल्क। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, तो अब इस रेमेडी को हम आपको लगा के दिखाएंगे। इसको बहुत ही हल्के हाथों से आपको अपने हाथों में, अपने फेस पे रब करना है। बहुत ही लाइट हैंड से करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको रब करेंगे अच्छे से। जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डार्क लगे ना ये जॉइंट्स पे, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको पूरे हैंड्स पे, फेस पे बहुत ही स्मूथली इसको करना है। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे ड्राई होने के लिए। ड्राई होने के बाद इसका रिज़ल्ट जो आएगा, वो हम आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए आपको इस पर बहुत ही स्मूथली स्क्रब करना है, और उसके बाद ड्राई होने के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। इसको हफ्ते में आप एक बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग है या ज़्यादा आप धूल मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो आप इसको 2 बार हफ्ते में यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ 1 बार। सो फ्रेंड्स, ऐसे सिंपल सी रेमेडीज़ को यूज़ करके आप अपनी ब्यूटी को इन्हांस कर सकते हैं, वो भी नेचुरली। तो इतनी अच्छी रेमेडीज़ मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो एक लाइक तो बनता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।